वॉट एवर एक्सपीरियंसेस आर देयर, मैं उसको एनालाइज करता हूँ पहले, देन आई चेंज इट अगेन. बिकॉज दैट वाइब्रेशन अगर नहीं मिल रहा है आपको, इफ यू डोंट फील दैट, तो फिर कोई मतलब नहीं है. जस्ट चैंटिंग विल नॉट हेल्प यू. वो एग्जैक्टली करेक्ट नोट पे पढ़ना चाहिए. सो दैट एक्सपेरिमेंट स्टिल आई एम डूइंग, अभी भी कर रहा हूं मैं. मतलब इवन आप विद इन सिक्स डेज ऑल्सो विल सी द चेंज इन द वे वी हैव डन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात कंसिस्टेंसी आप में हो. नाउ दिस इज द लास्ट व्हाट यू हैव लर्न टूडे. तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली विदाउट एनी इंटरप्शन, वॉट एवर मे बी द रीजन, कोई भी रीजन हो. लेकिन साधना अगर आप नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इफ यू स्टॉप द साधना, यू कैन जस्ट थिंक कि आप 100 टू 100 ईयर्स बैक यू हैव गॉन. सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मेरे गुरु जी भी ये कहते थे कि इफ यू वॉन्ट टू बी ए डिसाइपल, मैं गुरु मटीरियल नहीं हूं, ठीक है, आई एम नॉट ए गुरु, बट डेफिनेटली मेरे गुरु हैं. एंड ही सेज अगर इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए डिसाइपल, इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए डिसाइपल, यू शुड हैव ओनली थ्री क्वालिटीज इन साइड यू, श्रद्धा भक्ति समर्पण. फोर्थ चीज अगर आएगा किसी शिष्य के अंदर तो वो होगा अहंकार, और उससे सभी शिष्यों को दूर भागना चाहिए. सो हैव श्रद्धा फॉर योर प्रैक्टिसेस वॉट एवर यू हैव लर्न्ड, हैव भक्ति फॉर बिकॉज यू नो वॉट यू हैव गॉट. ऑलवेज रिमेंबर चक्र जागरण इज हाईली इम्पॉसिबल, आप उसके चक्कर में मत पड़ो. बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू अवेकन द चक्र, सो बी रेडी टू लीव एवरीथिंग एंड गेट इन सम केव में कहीं कंदरा में जाके बैठने के लिए तैयार रहो. बिकॉज वंस योर चक्रास आर अवेकेंड, यू विल नॉट बी एबल टू सिट विद द पीपल. और वहां पर यू विल हैव अ डिफरेंट आई टू सी द वर्ल्ड. वहां पर हम अपने परिवार के लिए नहीं जिएंगे, हम पूरा संसार ही हमारा परिवार होगा. दैट लाइफ इज गुड, एक्चुअली बुरा नहीं है, बट ये आपको डिसाइड करना है कि यू वॉन्ट दैट और नॉट. हमारी डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है उसके चलते चक्रों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाती है. बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, समटाइम्स दे आर ओवर एक्टिवेटेड, समटाइम्स दे आर डिप्लीटेड इन एनर्जी लेवल्स. तो वो मेंटेन करके चले एंड सी दैट आवर हेल्थ इज प्रॉपर, दैट इज सफिशिएंट. डूइंग दिस साधना, डोंट थिंक दैट इट इज ओनली गोइंग टू क्लेंस योर चक्रास और इट इज ओनली गोइंग टू बैलेंस योर चक्रास. और अगर आपकी इंटेंसिटी प्योर है, सो दिस सेम साधना कैन हेल्प यू टू अवेकन ऑल्सो. यही सेम चीज, लेकिन वो इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला क्योंकि फोकस हमारा उस पर नहीं है. बट द सेम प्रोसेस, देर इज अ डिफरेंट प्रोसेस. नेक्स्ट दीक्षा होती है उसकी, दीक्षा के बाद देन यू कैन डू फॉर द अवेकनिंग. लेकिन सेम प्रोसेस, सेम मंत्र ही है जो जागरण भी कर सकता है. पंचदशी मंत्र इज द कुंडलनी जागरण मंत्र. But now you have got as a activated, activation ki tarah hua hai, diksha nahi hai wo. So in the last, I will tell only one thing ki whatever you have learned, you have to understand the importance of that, understand the value of that. Kyunki out of, I don't know, thousands of people, only some 25-30 people are sitting right now here. That you practice it and decide something ki aap se aage tak pahunche wo.